माँ। जी हाँ, माँ बनना वाकई में एक अनोखा एहसास है, ना सिर्फ एक महिला के लिए बल्कि उस नई जिंदगी के लिए भी जिसे हम जन्म देते हैं। और जब बात हम तोहफे की करते हैं तो यूं तो बहुत सारी खूबसूरत सी चीजें दुनिया में मौजूद हैं तोहफे के तौर पे, लेकिन जब बात एक नई जिंदगी के तोहफे की होती है ना, तो बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और जब एक नई जिंदगी को जब किसी चीज को देने की बात आती है तो सबसे खूबसूरत और सबसे अहम तोहफा होता है माँ का दूध। जी हाँ, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे हमें मनाना है, बल्कि इसलिए भी कि हर उस बच्चे को इस तोहफे को पहुंचाना है जिसे इसकी जरूरत है। एक आंकड़ा कहता है कि भारत में अभी भी स्तनपान का जो प्रतिशत है वो 23% से भी कम है। एक वादा हमें करना है कि इस प्रतिशत को बहुत जल्दी और तेजी से बढ़ाना है। अगर हम माँ के दूध की बात करते हैं ना, तो दोस्तों माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। और यही नहीं, माँ का दूध बच्चे के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ही बच्चे का माँ का स्तनपान करना भी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर माँ का दूध बच्चे को कई सारी बीमारियों से बचाता है, वहीं दूसरी तरफ जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को भी कई सारी बीमारियों से बचाता है। और साथ ही साथ इमोशनल टच तो होता ही होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो कि लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, इससे ये सारे फायदे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब तो इस बात को मैं भी बहुत बखूबी समझने लगा हूँ। एक पिता होने के तौर पर जब मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी छोटी सी बच्ची को अपना स्तनपान कराती है, तो वो वाकई में उसके लिए एक कुदरत का नायाब तोहफा नज़र आता है। और मैं तो ये कहूँगा विश्व स्तनपान सप्ताह के इस मौके पर कि प्रत्येक महिला जो भी माँ बनती है वो अपने बच्चों को स्तनपान जरूर कराए। इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर रेडियो केजीएमयू गूंज कहता है कि हर बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, इसलिए हर माँ को अपने बच्चे को स्तनपान कराना है, जरूर कराना है। बिल्कुल। KGMU Gooch 89.